हे बच्चों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एजू सर्कल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन हमारा सर्कुलर मोशन और सेकेंड वन रोटेशनल मोशन। तो किसी भी चीज़ को, मीन्स अगर कोई बड़ी चीज़ आपको दी है और आपको उसको अच्छे से ख़त्म करना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे तो वो चीज़ क्या बन जाती है, बहुत सिंपल बन जाती है पढ़ने के लिए। तो हम लोग अपने सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को ये 6-7 पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ के अच्छे से ख़त्म कर देंगे। तो इसके अंदर हमको जो सबसे पहले पढ़ना है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वीयर ओमेगा बीच का रिलेशन, ए एन अल्फा के बीच का रिलेशन। ये इसमें 7 टॉपिक, और इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टॉर्क पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दोनों में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो होगा सर्कुलर मोशन का पार्ट। होप्स हो कि ये पार्ट पूरा इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, तो हम लोग इसके लिए एक पार्ट और बनाएंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपको गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है वो आपके JEE पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से छापी गई है। वो उतनी बुक एडवांस नहीं है, बट उसके अंदर अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो बच्चे पढ़ते नहीं है। आप उसके अगर थ्योरी के एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा बुक के अंदर कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी है। सिर्फ डेरिवेशन वगैरह देख के नॉलेज नहीं मिलता है, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको फुल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो आज हम लोग इस सर्कुलर मोशन को देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा होगा। ओके, देखिए अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट अपने स्कूल लेवल पे पढ़ाई की, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन्स अगर मेरे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। अब मेरे को अगर पॉइंट सी के ऊपर जाना है तो मेरे पास दो पाथ है, मैं ए से बी पे जाऊंगा या और बी से सी पे जाऊंगा, या फिर मैं सीधा ए से सी पे जाऊंगा। तो ए से बी और बी से सी मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हुआ, बट ए से सी मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सेम ये मेरा किस मोशन में होगा, ये मेरा लीनियर मोशन में होगा, बट सर्कुलर मोशन में जाते ही मेरी जो सारी बातें वो कौन किसके टर्म्स में होती है, एंगल के टर्म्स में होती है, सिर्फ एंगल के टर्म्स में। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा जो पार्टिकल है वो कितना एंगल बना सकता है, मिनिमम से मिनिमम। मेरा पार्टिकल पहले यहाँ पे होगा 0 पे, फिर यहाँ पे वो 90 एंगल पे जाएगा, फिर 180 पे जाएगा, फिर 270 पे जाएगा, फिर 360 पे आएगा। तो हमको जो उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है, मीन्स थीटा में। मीन्स वो यहाँ से शुरू करेगा फिर वापस यहाँ पे आएगा, तो वो एंगल में कितना चेंज कर रहा है हमको वो देखना है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक सर्कल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, वो होता है 2π रेडियन। वो कितना होता है, 2π रेडियन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका सिंबल होता है थीटा, इसका सिंबल क्या होता है, थीटा होता है। अब हमको इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप सबको मालूम है कि अगर मेरे पास एक आर्क दिया हुआ है, ये सर्कल का रेडियस आर, ये थीटा और ये मेरा आर्क एस है, तो मेरा पार्टिकल ने एंगल में तो इतना डिस्टेंस कवर किया है, बट रियल में वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, किसमें, डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट में एंगल के टर्म्स में यहाँ से यहाँ तक। तो इसका फॉर्मूला होता है S=r θ, थीटा मेरे को मिल जाता है S/r, ये मेरा आ गया थीटा का आंसर। ओके, चलिए हम चलते अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद से हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे लीनियर फिजिक्स से। जब हम लोग इसको लीनियर फिजिक्स से कंपेयर करके देखेंगे तो ये हमको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे इसके फॉर्मूलाज। तो वेलोसिटी क्या होता है, हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कॉमन सी बात है, आपको इसके अंदर क्या लगा देना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम तो वैसे ही रहेगा। तो ये आपका कितना था, थीटा था इसका सिंबल, और टाइम का सिंबल आपका टी, और ये आपका सिंबल इसका होता है ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी। अब इसका जो डेफिनेशन दिया है वो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन डिफाइंड एज द रेट, टाइम रेट चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिमिटिंग डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो ओमेगा है उसका एक फॉर्मूला और होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा बाय डेल टी। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमने बहुत छोटे वैल्यू के लिए, मीन्स बहुत छोटे एंगल के लिए अपने ओमेगा की वैल्यू को हमको निकालना है। अब लिमिट हम लोग कब लगाते हैं, लिमिट लगाने का कारण क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे किसी फंक्शन की, मैंने आपको एक फंक्शन दे के रखा है, मानिए मैंने आपको ए से लेके बी तक के बीच का कोई फंक्शन दिया, ओके अब मुझे बोलना है कि मुझे इस फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू चाहिए। अब फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू तो ज़ीरो होगा, मीन्स उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन मुझे ज़ीरो नहीं चाहिए, मुझे जीरो के बराबर चाहिए, मीन्स छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, लिमिट, कि उसकी लिमिट कितनी है, वो कितना छोटा हो सकता है, वो कितना छोटा हो सकता है, मुझे वो निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, ओमेगा मेरा थीटा बाय टी मिल गया। मतलब कि मेरे पार्टिकल ने एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, तो ये उसका टोटल थीटा हुआ, और ये उसने टाइम टी में परफॉर्म किया। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, और कितने टाइम में किया, उससे मुझको क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा, ओके समझा इतना। और अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस के लिए निकालना होता तो हम लोग ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। अब ये डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, अगर मैंने आपको एक परफेक्ट एंगल और परफेक्ट टाइम दिया, मीन्स आप इतने एंगल पे इतने टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी निकाल लो, तो उसके लिए हम लोग डी थीटा बाय डी टी का फॉर्मूला लगाते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल को हम लोग रेडियन में लेते और टाइम को सेकंड में। ओके बच्चों, इतना समझा, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब हमारा आता है टॉपिक एंगुलर एक्सलरेशन। एंगुलर एक्सलरेशन, अगर आपको एक्सलरेशन मतलब मालूम है तो ये बड़े अच्छे से समझ जाएगा आपको, व्हाट इज़ द एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन का काम होता है केवल वेलोसिटी को बढ़ाना, फिर वहाँ से निकल जाना। अगर मेरे एक आदमी बाइक चला रहा हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, उसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया, उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे उसने क्या किया, इस डिस्टेंस के बीच में उसने अपने बाइक को एक्सेलरेट किया, उसने एक्सेलरेशन दिया अपने बाइक को, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। एक्सेलरेशन का सिर्फ इतना काम होता है कि वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, फिर वहाँ से निकल जाएगा, बस सेम इस ऐसे ही काम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। वो ओमेगा की जो वैल्यू है, मानिए कि अगर ये मेरा पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो अगर थीटा वन टाइम टी वन में कवर कर रहा है, तो एक्सेलरेशन देने के बाद वो इतना एंगल कवर करेगा थीटा वन टाइम टी वन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने एंगल बढ़ा दिया, उसने क्या किया, एंगल को बढ़ा दिया, टाइम को उतना ही रखा, मीन्स कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया उसने, समझे। ये भी वही काम करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी वेलोसिटी बढ़ गई, सेम यहाँ पे मेरा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब मेरा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ओमेगा का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी। मेरा इसका अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा अपॉन टी, और ओमेगा मेरा होता है थीटा बाय टी डिवाइडेड बाय टी, मींस थीटा बाय टी स्क्वायर। अब मेरा जब थीटा बढ़ेगा तो मेरा अल्फ़ा भी बढ़ेगा, मींस अल्फ़ा की वजह से मेरा क्या होगा, थीटा बढ़ेगा और टाइम कम लगेगा मेरा, समझा। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
ओके चलो, एंगुलर एक्सलरेशन ये पार्ट हमारा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। इसका डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। द एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बस जो टर्म एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर सके वो होता है मेरा एंगुलर एक्सलरेशन। जैसे एक्सलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, सेम वो यहाँ पे अल्फा ओमेगा को बदलता है। बस ओके चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं हम लोग अपने। अब ये आता है हमारा रिलेशन। आई होप सो कि ये डेरिवेशंस आपने 11 में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो इसको यहाँ पे याद करके ले लो आप। अगर आपने ये डेरिवेशंस 11 में नहीं पढ़े तो इसको याद करके ले लो। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इतना पढ़ लो। वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और ये इसका स्केलर फॉर्म है और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलरेशन एंड एंगुलर एक्सलरेशन ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। अब यहाँ पे देखो, वी का ओमेगा से रिलेशन निकालना है और यहाँ पे ए का अल्फा से रिलेशन निकालना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लगा दो और यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई कर दो। बस आर का मल्टीप्लाई कर दो, ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा आपको मिल जाएगा। और अनदर रिलेशंस, ये मेन फार्मूला है, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ये इसका स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म होता है। वेक्टर है ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। बच्चों आप ऐसा फॉर्मूला याद करके ले लो, इसके डेरिवेशन के पीछे मत जाओ। हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो बहुत कंसेप्चुअल होगा, बस आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद करके रख लेना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रूफ ना करना पड़े। डायरेक्ट फार्मूला पुट करो और आंसर निकाल लो अपने। ओके चलो, अब देखते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे कॉलम बड़ा छोटा बनाया गया है लेकिन ये कंसेप्ट छोटा नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मानो कि यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, वो सर्कल में घूम रहा है, उसका मास एम है, ये उसका रेडियस। अब जब पार्टिकल मेरा सर्कल में घूम रहा है तो उसको सर्कल में घूमने के लिए तो कुछ फोर्स चाहिए ना, सर्कल में घूमने के लिए तो फोर्स चाहिए, तो वो जो फोर्स लगती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है FCV इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R होता है। क्या होता है, FCV इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R। और जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पे FCF इज इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला होता है MV स्क्वायर अपॉन R कैपिटल R। अब यहाँ पे समझना ये है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा कब, मींस दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, तो मेरा जो पार्टिकल है उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है मुझे ये समझना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप पार्टिकल को बाहर से देख रहे हो, तो वहाँ पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप पार्टिकल के ऊपर बैठे हो, मींस अगर आप किसी रोलर कोस्टर में बैठे हो और पार्टिकल घूम रहा है, तो आपको फील कैसा होगा कि आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो। जब भी आप किसी गाड़ी को किसी रोड के सर्कल ट्रैक पे टर्न करते रहोगे तो आपको ऐसा फील होता होगा ना, गाड़ी तो वहाँ पे जा रही है लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, बाहर के साइड जा रहे हो। तो अगर आप पार्टिकल को बाहर से देख रहे हो तो आपको वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, बट अगर आप उस पार्टिकल के ऊपर बैठे हो और तब सर्कल में रोटेट करो तो वहाँ पे क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके वहाँ पे क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होती है, इसका वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रेडियस वेक्टर है वो अंदर की तरफ होता है बट ये बाहर की तरफ होता है FCP। ओके अगर आप पार्टिकल के ऊपर बैठे हो तो, क्योंकि आपको बाहर की तरफ ढकेलने का फील होगा, और अगर आप इसके अगर आप बाहर से देख रहे हो तो ये टर्म मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसके अंदर बैठ कर देख रहे हो तो ये टर्म मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना ही समझना है आपको, ये मेरा क्या होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, पार्टिकल के ऊपर बैठ के मोशन को फील करना, और सेंट्रीपिटल पार्टिकल के बाहर से देखना, पार्टिकल को बाहर से देखना और मोशन को अंडरस्टैंड करना। ओके चलो, और हाँ एक
एक मेन थिंग। और यहाँ पे जो एक्सलरेशन लगता है वो होता है सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन, ये भी टूवर्ड्स द रेडियस होता है, ये भी क्या होता है मेरा टूवर्ड्स द रेडियस होता है। और सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में भी लगता है, और यहाँ पे जो एक्सलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर बाय आर। ओके चलो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स हमने अभी तक जो भी देखा वो क्या था, बेसिक्स था सर्कुलर मोशन का। अब आते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इट इज़ एन एक्सलरेटेड मोशन एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, इट इज़ एन एक्सलरेटेड मोशन। अब अगर मेरा कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पार्टिकल मेरा यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे होगी। मेरा पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे होगी। पार्टिकल यहाँ का डायरेक्शन यहाँ, मीन्स उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो क्या, और हम ऑलवेज चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब उस पार्टिकल में क्या एक्सलरेशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सलरेशन जीरो होता है, बट अगर वो चेंज हो रहा है तो उस पार्टिकल में एक्सलरेशन होता है। और अगर वो पार्टिकल मेरा एक्सलरेशन में है तो उसको हम लोग एक्सलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन ड्यूरिंग द मोशन, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन बोल रहा है। ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलॉन्ग द सेम ट्रेजेक्टरी, थस द मोशन पीरियोडिक। अब पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि हम लोग सेम पाथ को बार 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 रिपीट करें। अब मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, कंटिन्यू घूमे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है एक टाइम पीरियड के ऊपर बार 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 वही पाथ रिपीट कर रहा है, तो मेरा किस में आता है, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। ओके चलो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ मेन फार्मूलाज के ऊपर, ये आपको रिमेंबर करके लेने। ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी सेम। ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी, ये मेरा एंगुलर एक्सलरेशन, ये मेरा लीनियर वेलोसिटी और ये लीनियर एक्सलरेशन। डी थीटा बाय डी टी डी एस बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी डी वी बाय डी टी। यहाँ पे वी को ओमेगा से रिप्लेस किया गया और ए को अल्फ़ा से रिप्लेस किया गया। वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, और ये तीन मेन फार्मूलाज हैं, ए इज इक्वल्स टू वी ओमेगा और ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय आर। इतना याद कर लो आप। और ये दोनों फार्मूला वी ओमेगा और आर ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम लोग टेंडेंशियल एक्सलरेशन की वेलोसिटी भी बोलते हैं। और ये जो होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की वेलोसिटी, मीन्स ए टी इज आर ओमेगा स्क्वायर और वी ओमेगा, और ए सी इज वी स्क्वायर बाय आर। ओके समझा, यहाँ पे तो हमने मैग्नीट्यूड में लिखा है इसलिए सबको एक साथ लिखा है। चलो समझा, अब आते हैं हम लोग यूसीएम के ऊपर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपने अपने घर का फ़ैन चालू किया और उसको 5 के स्पीड के ऊपर रख दिया तो वो कंटिन्यू क्या होगा, उसी स्पीड के ऊपर घूमेगा। वो आपका फ़ैन क्या होगा, कंटिन्यू उसी स्पीड के ऊपर रोटेट करने लगेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे स्पीड के अंदर। चाहे घंटा दो घंटा तीन घंटा रख दो, स्पीड उसकी सेम रहेगी। तो मेरा किस में आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी स्पीड क्या होगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो हमने फ़ैन के जगह पे बस एक यहाँ पे पार्टिकल लिख दिए। अब पार्टिकल अज्यूम कर लो जो घूमे जा रहे सेम स्पीड से। अब नॉन यूसीएम क्या होता है, अब आपने फ़ैन की स्पीड पहले 5 रखी, फिर 4 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 2 रखी, फिर 1 रखी, समझे। अब एग्जांपल ऑफ फ़ैन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होता सर्कुलर मोशन के अंदर, वहाँ पे मेरा क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, चलो देखिए, अगर यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, मेरा जो ओमेगा होता है वो सेंटर से ही रहता है, क्योंकि मेरा एंगल सेंटर से ही बनता है ना। मेरा जो एंगल बनेगा वो सेंटर से ही बनेगा थीटा। अगर ये मेरा एक प्लेन है सर्कुलर प्लेन, तो मेरा जो ओमेगा होगा वो हमेशा सेंटर, मतलब उसका जो एक्सिस है वहाँ पे लाई करेगा, और अल्फा ही मेरा वहीं पे लाई करेगा। अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा।
मीन्स ओमेगा हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, बट स्पीड बढ़ाने के बाद अल्फ़ा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा की तरफ होगा। बट अगर मैंने स्पीड क्या की, कम कर दी, अगर मैंने स्पीड कम कर दी, ओमेगा तो ऊपर रहेगा ही, बट उसका जो एंगुलर एक्सलरेशन है वो क्या होगा, वो निगेटिव बन जाएगा। वो निगेटिव क्यों बनेगा, क्योंकि हमने क्या की, स्पीड को कम कर दी ना, स्पीड को कम कर दी मतलब एक्स जो इसका एंगुलर एक्सलरेशन है वो क्या होगा, कम हो रहा है धीरे धीरे। स्पीड बढ़ेगी तो अल्फ़ा ही बढ़ेगा, अल्फ़ा के साथ क्या बनेगा, ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा क्यों घटेगा, क्योंकि अल्फ़ा घट रहा है उसका। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ अल्फ़ा की डायरेक्शन चेंज होगी। सिर्फ किसकी डायरेक्शन चेंज होगी, अल्फ़ा की। अगर अल्फ़ा बढ़ेगा तो वो ओमेगा के साथ जाएगा, और अगर वो घटेगा तो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे अल्फ़ा डिक्रीज़ होगा। आई होप कि आप सब पेन पेपर लेके बैठे होंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको वीडियो पॉज करके ये सब लिखना है। ओके, चलो अब जाते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। इफ़ द एंगुलर एक्सलरेशन अल्फ़ा इज़ अलोंग एनी डायरेक्शन अदर देन द एक्सियल, इट विल हैव अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, थस इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑल्सो, विच विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन रोटेशन। ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ रोटेशन। इतना बड़ा मैंने पढ़ लिया, बट इसका मतलब क्या है, देखो। अब अगर मेरा सर्कुलर मोशन में एक प्लेन है और उसकी डायरेक्शन ओमेगा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ओमेगा है, बट मेरा जो एंगुलर एक्सलरेशन है, उसकी डायरेक्शन ऐसे अल्फ़ा है, उसकी डायरेक्शन ही है, तो अल्फ़ा के पास इतनी पावर है कि वो पूरे प्लेन को टर्न कर सकता है। मींस ये जो होगा वो ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, वो ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने जो एंगुलर एक्सलरेशन इसके अंदर लगाया है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए इस प्लेन को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मींस अल्फ़ा कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। तो मेरा जो नया डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये मेरा हो गया ओमेगा और ये मेरा हो गया अल्फ़ा, समझे। अभी इस ये डायग्राम के अंदर मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ओमेगा भी मेरा सरफेस के परपेंडिकुलर में है, यहाँ पे भी मेरा ओमेगा सरफेस के परपेंडिकुलर में है, और मेरा जो अल्फ़ा है वो भी क्या सरफेस का परपेंडिकुलर में है, समझे। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ अल्फ़ा इज़ कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, इट विल ऑलवेज चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड नेवर इट्स मैग्नीट्यूड। मीन्स अल्फ़ा केवल ओमेगा की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं। देयर बाय कंटिन्यूस चेंजिंग द प्लेन ऑफ रोटेशन, दिस इज सिमिलर टू द एक्सलरेशन ए परपेंडिकुलर द वेलोसिटी वी चेंजिंग एलोंग इट्स डायरेक्शन। समझ गए, अल्फ़ा क्या कर सकता है, प्लेन की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ओमेगा का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू जितनी उतनी रहेगी, उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चलो अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अ फैन इज़ रोटेटिंग एट 90 RPM, इट इज़ स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 revolutions, कैलकुलेट द टाइम टेकन इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल एंड टॉर्क इज कॉन्स्टेंट। चलो यहाँ पे हमको n की वैल्यू दी गई है, विच इज़ 90 RPM, ये क्या है मेरा रिवॉल्यूशन पर मिनट, बट मेरे को इसको क्या करना है, सेकेंड में चेंज करना है, तो 90/60 में कर दूंगा, 90/60 मीन्स RPS इट विल बिकम 3/2 RPS और 1.5 RPS, ये मेरे को क्या हो गई, एन की वैल्यू मिल गई। ओके, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 revolutions, ये क्या करता है, 21 revolution लेता है, ये क्या करता है, 21 revolution लेता है। तो हमें n की वैल्यू मिल गई 1.5 RPS। अब हमें n से क्या करना है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो ओमेगा का फॉर्मा हमने क्या देखा था, θ/T देखा था, थीटा हमारा कितना होता है, एक सर्कल का 2π होता है, क्योंकि मेरा फ़ैन क्या होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो 2π, और t मेरा जो टाइम पीरियड है 1/T, मीन्स थीटा इंटू 1/T। अब t मेरा क्या बन जाएगा, 2πn, यहाँ पर इसको मैं n नॉट दे रहा हूँ, इनिशियल
फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 पाई एन नॉट, क्योंकि मेरा 1 बाई टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन नॉट है, मेरा टाइम पीरियड का इनवर्स फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपको मालूम है। तो 2 पाई एन नॉट कितना है मेरा, 1.5, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो मेरे को ओमेगा नॉट मिल गया। तो अब मेरा एंगल कितना बनता है यहाँ पे थीटा, वो देख लेते हैं हम लोग। थीटा मेरा कितना होता है सर्कल का, 2 पाई होता है, बट ये घुमा कितनी बार है, 21 पाई ना, स्टॉप्स होने के बाद भी ये 21 बार घुमा है। मतलब क्या कर रहा है, 2 पाई, मतलब इसने 21 बार क्या किया, 2 पाई बनाया, इसने 21 बार 2 पाई रोटेशन किया, मीन्स ये कितना बन जाएगा मेरा, 42 पाई, ये मेरा क्या बन गया, एंगल बन गया 42 पाई रेडियन। अब मेरा ये मेरे को क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो मेरे को टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन थे लीनियर मोशन में, शायद से आपको याद होंगे अच्छे से। वो क्या थे मेरा, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक था वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से अगर हम निकालना चाहे, ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल है, तो इनिशियल को हमने क्या किया, एन नॉट रखा है, और फाइनल को ओमेगा ले लेते हैं। मीन्स अगर मैं इसको ओमेगा नॉट बोलूँ और इसको ओमेगा बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, ओमेगा नॉट एन ओमेगा, तो प्लस ये मेरा एक्सलरेशन ए अल्फा टी, वेट 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 वेट, ये मेरा फाइनल है ना, तो ये इनिशियल इनिशियल ओमेगा नॉट इसको आएगा, तो अल्फ़ा टी क्या मिल जाएगा मेरे को, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और अल्फ़ा क्या मिल जाएगा मेरे को, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी। अब हमारे पास ओमेगा भी है, ओमेगा नॉट भी है, और टी भी है। ओके, चलो इतना मिला हमको, टाइम पीरियड तो निकालना है हमको, वो थोड़ी है। और इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, अल्फा क्या मिल जाएगा मेरे को, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 थीटा। अब ये दोनों अल्फा मेरा सेम है, मीन्स अल्फा अल्फा आ गए, सब दोनों क्या करना है अभी, इक्वेट कर देना है मेरे को, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 थीटा। ओके, अब फाइनल में एंगुलर वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, 0 होगी फाइनल वाली, तो ये तो मेरा, क्योंकि मेरा फैन लास्ट में क्या होगा, स्टॉप हो ही जाएगा। माइनस ओमेगा नॉट कितना मिला मेरे को, 3 पाई, टाइम पीरियड ये भी मेरा 0, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 3 पाई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा कितना मेरा, 42 पाई। ओके, नाउ अब कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा 3 पाई माइनस माइनस कैंसिल बाय टी, ये मेरा 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 पाई, तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, फिर 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 3 थ्री ज़ा कितना हो गया, 3 थ्री ज़ा हुआ, फिर 3 वन ज़ा और ये 3 फोर ज़ा, तो मेरा यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, 1 बाई टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14 मीन्स 1/28, मीन्स मेरे को टाइम कितना मिल गया, 28 सेकेंड्स, मीन्स 28 सेकेंड्स लगेंगे फैन को स्टॉप होने के लिए, 28 सेकेंड्स क्या लगेंगे फैन को स्टॉप होने के लिए। और जो यहाँ पे दिया गया फ्रिक्शनल एंड फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट, तो फ्रिक्शनल टॉर्क हम लोग आगे देखेंगे कि होता क्या है। चलिए अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में जब तक व्हीकल का डायमेंशन ना दिया, जब तक व्हीकल का डायमेंशन ना दिया तब तक उसको पॉइंट मास ही कंसीडर करना है। अगर व्हीकल का डायमेंशन मीन्स हाइट लेंथ ब्रेथ ये सब दिया है तो ही लगाना है, नहीं तो व्हीकल को क्या करना है, जितने भी बड़े 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 से बड़ा ऑब्जेक्ट को क्या करना है आपको, पॉइंट मास कंसीडर करना है, सिर्फ एक पॉइंट के बराबर। तो ये जो मेरा पॉइंट है उसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, मीन्स मेरा जो पार्टिकल वेट सर्कुलर रोड के ऊपर है, मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है उसका, वो एक सर्कुलर रोड के ऊपर है, तो ये उस सर्कल का सेंटर है और ये रोड है, तो ये मेरा n है,
ये पार्टिकल का वेट mg नीचे की तरफ जा रहा है, ये उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड, और ये टायर से लगने वाला फ्रिक्शन। ओके, अब जो मेरा n है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और नॉर्मल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो और ये mg उसका वेट नीचे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या बन जाएगा, वो किसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के, क्योंकि वो गाड़ी सर्कुलर मोशन पे मेरी घूम रही है। तो ये मेरा बन जाएगा mv स्क्वायर अपॉन, और ये उसका रेडियस डिस्टेंस r। तो फ्रिक्शनल, मेरा फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, ये मेरा mv स्क्वायर अपॉन r, n की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, mg दी है, तो म्यू mg, ये mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को म्यू जी आर, और v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू जी आर। मीन्स मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मीन्स यहाँ पे जो मेरा v होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू कितना होगा, म्यू जी आर होगा। मीन्स मेरे v इज़ ग्रेटर देन म्यू जी आर, मीन्स मेरी v की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उस ट्रैक के ऊपर। ओके, अब सेकेंड टॉपिक है वेल और वॉल ऑफ डेथ। देखिए, मौत का कुआं जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा गया है, n प्लस एम वी स्क्वायर, एन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा गया, अगर मेरा जो मौत का कुआं है वो बाइक क्या हो रहा है मेरा, उस कुएं के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मेरा जो बाइक क्या कर रहा है उस कुएं के अंदर रोटेट कर रहा है, तो उसकी सरफेस क्या हो गई, ये हो गई। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर में रहता है, बट नॉर्मल रिएक्शन अभी क्या हो रहा है, इसका सेंटर के साइड जा रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन इसका कहाँ जा रहा है, सेंटर के साइड जा रहा है। तो एन जो सेंटर के साइड जाएगा उसके बराबर में क्या रहेगा, ऑलवेज सेंट्रिपिटल फोर्स रहेगा मेरा, उसका क्या रहेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स रहेगा। तो ये एन बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये होता है मेरा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो। अभी देख लो ये कैसे होता है, ये मेरा होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी का फॉर्मूला हमने देखा है आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, ये बन जाता है मेरा एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स, यही मेरा हो गया। अब मेरा जो एन है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर है, और जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है किसके बराबर है, किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है। तो वेट फ्रिक्शनल फोर्स मेरा म्यू एन के बराबर होता है, वेट मेरा mg है, म्यू एन की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, एम आर ओमेगा स्क्वायर दी है मेरा mg, m से m कैंसिल हो गया, तो म्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। और एक और से कर सकते हो, म्यू इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कैंसल, और म्यू इज इक्वल्स टू जी आर अपॉन वी स्क्वायर। ओके, चलो इतना आपको समझ में आया, एक बार हम लोग रिवाइज करके देख लेते फिर से। ये मेरा पॉइंट, ये मेरा सर्कल का सेंटर, ये मेरा व्हीकल है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के ऊपर लगेगा जो मेरा सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा, और वेट नॉर्मल जो mg को बैलेंस कर लेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है मेरा, म्यू एन होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, म्यू एन, एन कितने है यहाँ पे मेरा mg है, तो m से m कैंसिल होगा, म्यू कितना मिल जाएगा मेरे को, हाँ, और यहाँ पे मेरे को म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, वी स्क्वायर बाय आर जी, क्योंकि यहाँ पे मैं जी नीचे ले लूँगा, तो म्यू की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, और अगर वी स्क्वायर निकालना रहेगा तो आर को वहाँ भेज दूंगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू जी आर, वी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू जी आर। अब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, तभी ये पार्टिकल मेरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। अब अगर वही हम लोग बात कुएं के अंदर करें, तो मेरा जो पार्टिकल है वो अगर उस कुएं के अंदर घूमेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर में रहेगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा वो, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स को, तो n इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और f किसको बैलेंस करेगा, mg को, f कितना होता है मेरा, म्यू इंटू एन इक्वल्स टू mg,
तो एक बार मैंने एन को क्या रखा एम आर ओमेगा स्क्वायर रखा, तो मेरे को म्यू की वैल्यू क्या मिली, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर मिली। और अगर मैं इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर रखूँगा तो मेरे को म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर जी अपॉन वी स्क्वायर मिल जाएगी। ओके चलिए, और इसमें से अगर मेरे को वी स्क्वायर निकालना होगा तो आर जी अपॉन म्यू और रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि बैंकिंग ऑफ फ्रॉड क्या होता है। बैंकिंग ऑफ फ्रॉड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो सिर्फ यही एक टॉपिक के ऊपर होगा, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।